प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने गुणन के बारे में देखा था कि पूर्णांकों का गुणन हम लोग कैसे निकालते हैं, पूर्णांकों के गुणन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे गुणन के नियम भी देखे थे। तो उसमें आपका संवृत गुण, क्रमान्वय गुण, शून्य से गुण, गुणात्मक तत्सम, सहचर गुण है, फिर इसके बाद जो है वितरण गुण, ये सारे गुण देखे थे, ये वितरण गुण। तो ये सारे गुण जो कि जिस तरह से हम लोगों ने जोड़ के लिए देखे थे, कुछ कुछ उसी तरह से ही जो सारे नियम या गुण हैं वो गुणा के लिए भी हैं या गुणन के लिए भी हैं। तो पूर्णांकों के गुणन के बारे में और जोड़ के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी इसमें गुणा करने के कुछ सरल तरीके भी होते हैं गुणन करने के, जिसमें से एक दो तरीके हमने आपको जो है कल बताए थे, उसमें से एक एग्जांपल ये आपके सामने भी लिखा हुआ है। उसी तरह से हम कुछ एग्जांपल और बताएंगे ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल और है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए मैंने एक लिया ऋणात्मक का 18, फिर मान लीजिए एक लिया हमने ऋणात्मक का 10, ठीक है, और मान लीजिए फिर ले लिया हमने एक धनात्मक का 9, ठीक है। ये किताब का ही एग्जांपल है। तो अभी इसमें यदि आप ऋण और ऋण यानी कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे, तो जो लगातार हम एक आपको नियम बता रहे हैं कि धनात्मक का और ऋणात्मक के जो अलग अलग चार कॉम्बिनेशन बनते हैं गुणों के, तो उन गुणों में एक गुण यहाँ पे भी ये भी रहता है कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा होगा तो वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो वो मान जो है हमेशा धनात्मक आएगा। तो अभी यहाँ पे 18 है और 10 है, तो 18 दम या फिर 180 होता है, ठीक है। तो ये 180 ये हो जाएगा, फिर इसके बाद 9 का फिर से होगा, ठीक है। तो यदि हम फिर अब 9 का जो है इससे गुणा करेंगे तो फिर ये हमारा कितना निकल के आएगा, 1620, ठीक है। 9 8 72, फिर इसके बाद 9 1 9 और 7 16। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले हमने किया 18 into -19, ठीक है, लेकिन घूम फिर के ये जो है आपका 90 हो जाएगा आपका। तो 8 9 72, फिर इसके बाद 9 1 9 और 7 16, 162 ये, 10 ये, और दोनों ही ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक होता है, जो कि हम लोग यूजुअली लिखते नहीं हैं। तो आंसर ऐसे भी यही आएगा। तरीके अलग अलग हैं, आप कह सकते हो कि क्रम विनिमय का भी या फिर सहचर नियम का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो कई बार प्रश्न हमारा ऐसे भी आ सकता है कि सहचर नियम के आधार पे प्रश्न को सॉल्व करना है, या फिर आपका क्रम विनिमय के आधार पे, या फिर मान लीजिए वितरण गुण के आधार पे, ठीक है। सेम ऐसे ही सत्यापित करने के लिए भी आ सकता है कि मान लीजिए तीन भिन्न संख्याओं का जो गुणन है जो कि बाएं हाथ पे दी रहेंगी बराबर के, और सेम अलग से तीन जो भिन्न संख्याएं होंगी पूर्णांक संख्याएं, उनका जो गुणा होगा जो कि बराबर के दाएं हाथ में होंगी, तो वो दोनों ही संख्याएं मतलब बाएं हाथ की बराबर के और दाएं हाथ की जो संख्याएं होंगी, दोनों ही संख्याओं का मान को सत्यापित करना पड़ेगा कि ये जो है बराबर है या नहीं है। तो यदि है तो आप वहाँ पे हाँ लिखोगे उत्तर में, और यदि नहीं है तो ना लिखोगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नियम या गुण में दिया रहेगा प्रश्न में, उस नियम के आधार पे हमें प्रश्न को सॉल्व करना है और लास्ट में अंत में उत्तर लिखना है। तो ये सारे उदाहरण आपको लगातार दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपका प्रश्नावली 1.3 आती है,
तो जैसा कि आप लोगों ने पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 यहाँ पे आप देख सकते हो, 1.1 थी यहाँ जो जोड़ के सारे नियम आए थे, उसके बाद 1.2 थी, अब ये गुणन के बाद जो है सारे नियमों के बाद जो प्रश्नावली 1.3 आई है। तो प्रश्नावली 1.3 के भी मैं जो फोटो या स्क्रीनशॉट है वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है एक एक करके सारे प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, और जहाँ पे भी जो भी दिक्कत आए वो इसमें आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, कैसे भी आप लोग बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। या फिर आप लोग यदि पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं तो ये फिर बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस आपकी इसका मतलब सही हो रही है। ज़्यादा है तो आप लोग दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं उस नियम या गुण के लिए, या जो भी तरीका आपको चाहिए तो उसके लिए दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर अभी जैसे जोड़ हो गया, फिर इसके बाद हमारा गुणन हो गया, सेम ऐसे ही विभाजन का भी आता है कि पूर्णांकों का विभाजन। ठीक है, तो पूर्णांकों का विभाजन मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या से भाग देना, या फिर सेम ये तीन संख्याओं केस में भी हो सकता है कि मान लीजिए एक संख्या का दूसरी संख्या से दें, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से दें, ठीक है। तो अभी एक इसके लिए मैं उत्तर एग्जांपल ले लेता हूँ। तो एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक अभी सीधा सीधा ले लिया 15/3, या फिर भाग को दिखाने का तरीका 15/3, विभाजन 3। तो चाहे ऐसे लिखें तो 3×15, और चाहे ऐसे लिखें तो 3×15, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, तो उत्तर में 5 आएगा, ठीक है। तो लिखने के भी दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिखिए, अपने यहाँ जो चलता है वो इसको ऐसे दिखाते हैं, इसमें क्लियर आपको समझ में आता है, क्योंकि ये जो संख्या है ऊपर वाली ये हम लोग भिन्न की तरह भी दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग केवल पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हम और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फिर से वही चीज़ आती है कि धनात्मक संख्याओं का विभाजन कैसे करेंगे, या ऋणात्मक संख्याओं का विभाजन कैसे करेंगे, जीरो के केस में विभाजन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर से विभाजन के लिए आएंगी। तो इसमें एक उदाहरण जैसे ये दिया है, ऐसे ही मैं एक ऋणात्मक के केस में उदाहरण लूँगा, तो -12 यानी कि नेगेटिव का 12 ऋणात्मक 12 / ऋणात्मक का 6। तो यदि ऋणात्मक और ऋणात्मक का ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से यदि भाग देते रहे तो फिर हमेशा जो उत्तर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। सेम जैसे गुणा में होता है लगभग वैसा ही नियम विभाजन के लिए भी होता है चिन्हों के लिए, ठीक है। तो इसका फिर हम भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, ये आएगा धनात्मक का 2, चिन्हों के हिसाब से धनात्मक संख्या होगी, और 2 इसलिए क्योंकि 6×2=12, 2 से ये पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा एग्जांपल था। ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप लोग को तरीका पता चले, और फिर उसके बाद यदि उसमें कुछ और भी यदि वेरिएशन या कुछ भी भिन्नता है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद एक प्रयास कीजिएगा टैब है, तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा। तो अभी के लिए दो स्क्रीनशॉट आपके पास भेजेंगे, प्रश्नावली 1.3 की और विभाजन वाले प्रयास करने वाले सेक्शन की, ठीक है। अच्छा, विभाजन में कुछ और भी चीज़ें हैं कि जैसे ये ऋणात्मक ऋणात्मक का हो गया, ये दोनों धनात्मक का हो गया, मान लीजिए यहीं पे मैं ऋणात्मक संख्या का भाग धनात्मक संख्या से दूँ, तो अभी जो उत्तर आएगा वो हमारा ऋणात्मक में आएगा, कभी भी हमारा उत्तर धनात्मक में नहीं हो सकता है, लेकिन जो मान होगा वो 2 होगा ऋणात्मक का। तो यदि इसको भी देखा जाए तो ये जो है तत्समक के रूप में आपका उत्तर निकल के आया है, ठीक है। जैसे हमारा जो योग्य तत्समक था या
गुणन तस्मत था, सेम ऐसे ही विभाजन के लिए भी है, निकल के आया। ठीक है, अच्छा, इसमें से एक बहुत जो इम्पोर्टेंट और जो सोचने वाला नियम होता है वो होता है जीरो के साथ। जैसे मान लीजिए माइनस का ही 12, मैं सेम संख्या ले ले रहा हूँ, यदि मैं इसका भाग जीरो से दूंगा, ठीक है, तो जीरो का भाग किसी भी संख्या में दें, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो वैसे तो हमेशा इन्फिनिटी निकल के आता है, या फिर इसको यदि कंप्यूटर के भाषा में भी देखें तो आपका जो है नॉन डिविजनल नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह भी है, ये एक अलग से उदाहरण भी है। तो ठीक है, तो जीरो फिर संख्या को भी कोई भी हो, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उत्तर हमेशा यही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम चाहे धनात्मक संख्या में एक से लेके और 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10000, 20000, 1 लाख, 10 लाख और फिर अनंत तक यदि जाएंगे तो ये अनंत को प्रदर्शित करने वाला नंबर है। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि जीरो के लिए दूसरा नियम है, मान लीजिए हम जीरो में भाग दें तो हमेशा जो उत्तर आता है वो जीरो आता है। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में एक तरीके से ये दिखा जाए तो इसका उदाहरण नहीं है, ये आगे चल के जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें जो एक अगला है गुण, वो गुण वही है जो कि हमारा जोड़ और गुणन के केस में भी था, कि हम कोई भी संख्या में जब भाग दे रहे हैं तो जो भी संख्या हमारी निकल के आ रही है वो एक पूर्णांक संख्या निकल के आ रही है, जो उत्तर निकल रहा है वो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जैसा कि बताया था, चाहे धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक में संख्याएं हो, या फिर कोई जीरो संख्या हो, जो कि हमने एकदम शुरुआत में बताया था पूर्णांक के लिए कि पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारे हमारे पूर्णांक संख्याएं थी। लेकिन जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हमने लिया माइनस का 4/-8, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा या धनात्मक में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो भाग आएगा ये अभी भी 1/2 आएगा। ठीक है, मान लीजिए 4 × 4, 4 × 2 तो 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम सरलतम रूप में। तो यदि 1/2 लिखेंगे तो 1/2 या फिर ये 0.5 हुआ। ठीक है, 5 × 2 = 10 होता है, यहाँ पे 1 है तो पहले 10 आया और फिर 5 आया। ठीक है, तो या तो ये भिन्न के रूप में आएगी या ये दशमलव के रूप में आएगी, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, मतलब पूर्णांक नहीं है ये संख्या। ठीक है, इसको हम भिन्न या फिर दशमलव श्रेणी में डालेंगे। सेम ऐसे ही जैसे जीरो के साथ था, सेम ऐसे ही एक या माइनस एक के साथ भी नियम आता है। एक के साथ नियम क्या आता है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने एक जनरल संख्या ली, इसमें चिर एक चर मान लिया हुआ है, तो चर मान में आपका एक से मैं यदि भाग दूंगा तो हमेशा उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, अब संख्या कोई भी ले सकते हो आप, चाहे 12 ले लो चाहे या फिर -12 ले लो, -12 लेंगे तो -12 आंसर आएगा। ठीक है, या फिर यदि आप उसका उल्टा करेंगे 1/a करेंगे तो ये 1/a ही उत्तर में आएगा। ठीक है, यदि संख्या आपकी ऐसी है जो कि जिससे विभाजन पूरा पूरा नहीं हो रहा है तो फिर ये पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, तब फिर ये भिन्न संख्या आएगी, जैसा कि अभी जस्ट ऊपर हमने देखा, फिर चाहे वो दशमलव हो सकती है या भिन्न के तौर पे हो सकती है। तो ये विभाजन में कुछ नियम आपके बदल जाएंगे, तो इन सारे नियमों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विभाजन को लेके हमारे पास एक जो अगली प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है
1.4। तो एक दो प्रश्नावली हैं जो आपका पूर्णांक पे हैं, फिर उसके बाद जोड़ पे हैं, फिर इसके बाद विभाजन पे हैं, फिर इसके बाद गुणन पे हैं। तो ये सारी जो है प्रश्नावली आपको हल करनी है। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज इसमें और देखेंगे, तो एक सेक्शन है जिसमें है कि जो भी हम इन पूर्णांकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने पूर्णांक वाले टॉपिक में या चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा या क्या जाना या किस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने ये बताया ही था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, क्या रहती हैं, कैसे रहती हैं, या किन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। फिर उनके बारे में देखा हमने कि संख्या रेखा पे कैसे दिखा सकते हैं, उनकी तुलना के बारे में देखा, फिर संख्याओं के जोड़ के बारे में देखा, फिर संख्याओं के गुणन के बारे में देखा, फिर संख्याओं के विभाजन के बारे में देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर इसमें अलग अलग हम लोगों ने नियम भी देखे, चाहे वो आपका गुणन हो, चाहे वो आपका जोड़ योग वाला संख्याएं हो। ठीक है, कि जैसे क्रमविन्मय गुण है जो कि सभी के लिए है, या सहचर गुण है, या तत्समक है, है? गुणन के लिए। फिर हमने एक दो नियम और भी देखे कि जैसे आपका शून्य से गुणन में जो आता है तो उसमें वैल्यू कैसी आती हैं, या फिर आपका संवृत्त गुण करके था, वितरण गुण भी हमने देखा कि वितरण गुण में हम कैसे संख्याओं के साथ कैसे संख्याओं को वितरित करके अलग अलग करके गुणा करके और फिर एक साथ इकट्ठा रिजल्ट उसका देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर इसके बाद विभाजन भी देखा कि विभाजन में क्या है। ठीक है, तो ये इसमें आपका ये दो तीन आपका प्रश्नावली भी हो गई। ठीक है, तो ये पहला जो चैप्टर है इन्हीं प्रश्नावलियों के साथ ख़त्म होता है, और पूर्णांक का जो आपका चैप्टर है वो अभी पूरा हुआ। इसमें जो भी आपको दिक्कत आए आप लोग पूछ सकते हो, और सभी के स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेज दूंगा। तो एक एक करके आप लोग प्रश्न हल करते रहिए। जो भी दिक्कत आए उसके लिए भी हमें एक अलग से लेक्चर या अलग से पूरा वीडियो बनने आएगा, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं एक एक करके देता जाऊँगा, या सबको जो हल करने का तरीका है वो भी बताता जाऊँगा। उसमें जो भी कहीं पर भी दिक्कत यदि आपको आए तो वो आप लोग उसमें भी फिर हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।